पाकिस्तान का एक शहर जहां आपको सकाफत बहुत करीब से नजर आती है, जहां मुख्तलिफ रंग और नस्ल के लोग एक साथ रहते हैं, जहां उर्दू के साथ साथ सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची बोलने वाले भी मौजूद हैं। एक ऐसा शहर जहां लोग काम की वजह से आके रहते हैं और फिर यहां आबाद हो जाते हैं। कराची में आपका स्वागत है। और जब बात हो खाने की, तो चाहे दोस्तों के साथ जाना हो या फैमिली के साथ, कराची का बंस रोड हमेशा अव्वलीन तरजीह होता है, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सालों पुरानी रबड़ी, कैफे लजीज का लजीज का टाकट और चरगा और सुपर शाहीन की अफगानी बोटी। और ये सब आपको हम खिलाएंगे इस एपिसोड में। दस्तरखान सजा लीजिए या पॉपकॉर्न हाथ में पकड़ लें और हम स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एक मैं जब भी कराची आता हूँ और यहाँ से जब वापस जाता हूँ, तो मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, भाई आपने दिल्ली रबड़ी की रबड़ी खाई कि नहीं खाई? अगर आपने कराची की रबड़ी नहीं खाई ना, तो आप कराची का टूर वेस्ट कर देते हो। तो भाई इस दफ़ा मैंने फाइनल डिसाइड कर लिया कि अभी मैं आया हूँ और ये मेरी बैग में ये दिल्ली रबड़ी हाउस है, इनसे मैं रबड़ी खा के जाऊँगा इस दफ़ा जो मर्जी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। बिलाल साहब ये कितना पुराना सेटअप चल रहा है आपका? ये मैं बात काट रहा हूँ, मैं जब भी आता हूँ ना कराची और वापस जब जाता हूँ, लोग मुझसे पूछे आपने दिल्ली की रबड़ी खाई है? मैंने कहा नहीं खाई। मैं आप कराची जाकर टूर जाया कर दिया आपने, अब की बार जाओगे तो लाजमी खाना। लास्ट टाइम आया तो किसी वैसे फिर नहीं खा सका, फिर मुझे बातें सुननी पड़ेगी, तो इससे पहले मैं इधर ही आया हूँ। ठीक। ये हमारा काम 1964 से शुरू हुआ है। अच्छा। हमारे वालिद वगैरह करते थे, एक छोटा सा ठेला लगाते थे। अच्छा। फिर उसके बाद अल्लाह ने ठेला ये सामने ही लगता था हमारा, इधर ही। सही। उसके बाद फिर अल्लाह ने तरक्की दी, भाइयों की दुआ, मेहनत। हमारे बड़े भाई थे, उनका इंतकाल हो गया इसी साल, दो भाइयों का। अच्छा। उनकी बड़ी मेहनत थी हमारे साथ। सही, सही, हमें सही, तो पका पकाया मिला, जितना भी मिला ये सब उन्हीं की मेहनत है। तो अभी आपको कितने फ्लेवर हैं रबड़ी के अंदर? रबड़ी में तीन है, एक पिस्ता रबड़ी है, एक नॉर्मल रबड़ी है और एक शुगर फ्री रबड़ी है। अच्छा, शुगर फ्री भी है। सही है, सही। तो इनकी क्या प्राइसेस क्या है, किस तरह होती ये प्राइसेस? रबड़ी जो है 1440 है और पिस्ता रबड़ी है 1640। अच्छा, ठीक है। और शुगर फ्री है 1520 रुपये। सही होगा, ठीक होगा। तो आपकी टाइमिंग क्या है, कब खुलते हैं? सुबह 9:30 बजे दुकान खुलती है, रात 12 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे जो है ना अंदर बहुत ज़्यादा रश है फैमिलीज में, तो मैं प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर सका इसको। यहाँ पे जो है ना मतलब बहुत सारी रबड़ी मिलती है यहाँ पे, गुलाब जामुन और बहुत हलवा वगैरह भी इनके पास मिलते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसके लिए मैं आज तक बातें सुन रहा था लोगों से कि भाई अगर आप कराची गए और आपने दिल्ली वालों की रबड़ी नहीं खाई, तो आपने कुछ भी नहीं खाया। असल रबड़ी ये है, वो पिस्ते वाली है। पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद जो है ना वो पिस्ते वाली चेक करेंगे। लो जी, इसको ट्राई करिए। देखो ये यार बड़ी मज़ेदार है यार, फुल मलाई वाली, बहुत कमाल की। बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, हुए 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 है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ना खोया पकाते वक्त ऊपर मलाई आई थी और वो उतार ली है यार, क्या चीज़ है ये। जैसे दही की मलाई होती है ना, दही की मलाई वो अगर इतनी बड़ी इतनी मोटी होती ना, तो इतनी मोटी मलाई है और फुल मीठी है। असल जो चीज़ है ना, ये परत, ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ना, ये जो मलाई है, ये एक्चुअली रबड़ी है। और ये पिस्ते वाले, ये भी ट्राई करते हैं। चीज़ वही है, वो जो लेयर्स होती है ना, ये देखो, ये लेयर देखो, ये रबड़ी है, ये मलाई जो होती है ना पिस्ते वाली। ओह यार, ये तो कुछ होने लग गया। ये मीठी कम है उसके नस्बत, मीठी कम है क्योंकि इसमें पिस्ते का फ्लेवर ज़्यादा है, चीनी कम है इसमें, खोया कम है, लेकिन जो बेस है ना वो बड़ी मज़ेदार है यार। मैं आपको ना इसका फ्लेवर इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसा आपको खोए का फ्लेवर था, मीठा मीठा खोए का फ्लेवर होता ना, उस तरह का फ्लेवर है, लेकिन इसकी टेक्सचर इसका चेंज है। टेक्सचर इसका जो मलाई वाला होता है, मोटी मलाई होता है ना, इसका मोटी बली एक जो बलाई टाइप होती है ना, वो चीज़ है यार। अभी जो है ना हमारा सारा प्लान जो है ना चेंज हो गया थोड़ा सा, वो ये है कि अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमें शॉर्ट्स ले रहा था इस एरिया को कवर करने के लिए ना, कि थोड़े से अच्छे से शॉर्ट्स ले लूँ। तो मुझे अचानक से एक चीज़ नज़र, अब शॉर्ट्स लेते लेते मुझे फिर से फूड नज़र आ गया। भाई मैं क्या करूँ यहाँ पे, फूड ये है, यहाँ पे अफगानी टिक्का बन रहा है भाई, बीफ का टिक्का चक्की, दुम्बे की चक्की के साथ। मैं रुक नहीं पाया, और जो मैं थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश कर रहा था, वो इसने मुझे रुकने नहीं दिया, ये जो राक्षस मेरे साथ है। ये देखो, ये रोड पर बन रही है, इसलिए जो है ना इसको खाना बनता है भाई। प्लान इसको देख के चेंज हुआ था, इसको देख के प्लान बदल गया था, तो इसको ट्राई करते हैं। इसको ना आँस नहीं उतारते भाई, इसको ऐसे खाते चक्की मार के। वे वे यार,
जूसी बीफ टिक्का। अभी अपने जो अफगानी टिक्का खाया ना, अफगानी बोटी खाई, वो हमने खाई सुपर शाइन छिंदवाड़ी में, बैक पे नजर आ रहा। और ये प्राइस जो इसके है तकरीबन 900 रुपये में, बल्कि पूरे 900 रुपये में आपको 12 सीखें मिलती हैं और 450 रुपये में 6 सीखें मिलती हैं। यार बहुत कमाल की जा रही है। इस पर साथ इन्होंने मसाला दिया हुआ, लेकिन कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। चल, इस वक्त हम मौजूद हैं बंस रोड के ऊपर, कराची में बंस रोड बहुत फेमस है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ गूगल पे लोकेशन डालनी है और बंस रोड आपको मिल जाएगा, आप पहुंच जाएंगे यहाँ पे। बंस रोड पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फूड ऑप्शन नज़र आते हैं। जैसे आप बंस रोड पे चढ़ते हैं और अगर आप आते हैं फ्रेस्को वाली साइड से, मुझे एग्जैक्ट साइड का नहीं पता कहाँ से जाते हैं, ये फ्रेस्को सामने है। फ्रेस्को से जब आप बंस रोड पे आएंगे तो आपके लेफ्ट पे दूसरी या तीसरी शॉप है जो कैफे लजीज़ है, वही मेरी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा है। इनके पास हम जा रहे हैं फिर। कटाघाट स्पेशलिस्ट है हमारा, उसके अलावा चरगाया। अच्छा, हमारा कटाघाट जो स्पेशल है ना, वो हमारा बनता है कढ़ाई में। अच्छा, अमूमन लोग बनाते तवे पर, हमारा बनता है अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई में। और माशाल्लाह 70-71 से हमारे दादा चलाते हुए आ रहे हैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा सबसे मशहूर जो आइटम है, फेमस जो आइटम है, वो कटाघाट है। चरगा भी अल्हम्दुलिल्लाह आइटम तो काफ़ी है, चिकन कढ़ाई भी है, मटन कढ़ाई भी है, सब्जी भी है, ग्रेन मसाला भी है, अल्हम्दुलिल्लाह आइटम तो सारे। ज़्यादा नाम जो आपका चला था वो आपका कटाघाट जी अल्हम्दुलिल्लाह। कटाघाट में आप क्या क्या डालते हैं उसके अंदर? कटाघाट में दिल गुर्दा मगज होता है। अच्छा, दिल गुर्दा मगज चाँ पे भी ऑप्शन पे होती है। कपूरे तो नहीं डालते? कपूरे ऑप्शन पे होते हैं, जो लोग डलवाना चाहें तो डलवाएं, वरना अमूमन उससे नहीं डालते। तो उसकी क्या प्राइस क्या है एक प्लेट की? एक प्लेट सिंगल प्लेट बनती है 1400 रुपये की, डबल 2800 रुपये की। सिंगल प्लेट में तीन गुर्दा, एक दिल, एक मगज होता है। अच्छा, सही है, सही है। तो आपके ये रेस्टोरेंट कितने बजे खुलता है? रेस्टोरेंट मगरब के बाद से काम स्टार्ट होता है। और रात जब तक कराची जाग रहा है तकरीबन 1:30-2 बजे तक, बस 2 बजे तक इनफ। सैटरडे को होता है तकरीबन 5:45 तक। अच्छा, ज़्यादा टाइम लगे। सही है, ठीक है। तो अभी हम आप हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आपसे क्या ट्राई करें? अभी आप कटाघाट भी खाएं और चरगा भी खाएं, दोनों खा लें। दोनों खा लें। मेरी माशा तारी साहब आना या खुद ही काम कर रहे होते हैं माशा। एक प्लेट जो बनती है शादी, सिंगल या डबल? सिंगल। ये दो गुर्दे आएंगे, तीन गुर्दे। कपूरे डालू? नहीं, कपूरे नहीं, ये होगी एक सिंगल। चले, बस सही है यार। ये पैकिंग को आने का, अच्छा यार, यहाँ का जो टकाटक ना, इसमें दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि इसमें ना ये तवे पे इसको बनाते नहीं है, ये ऑलरेडी कीमा करके, इस तरह गुजरा वाला में मैंने देखा था, गुजरा वाला में एक जगह पे वैसे ही बनाते थे वो, पहले ना उसको पहले पूरा कीमा करके उसके बाद उसको तवे पे से फ्राई करते थे। इनका सिस्टम ये है कि एक तो पहले से कीमा कर लेते हैं, उस पर जितनी भी चीज़ें ना उनको पानी डाल के ना अंदर दम लगाते हैं। अच्छी दम लगाने के बाद बस फिर वो हिलाते रहते पानी खुशक करना होता है इन्होंने, तो दम के दौरान और पानी खुशक करने के दौरान वो पकाई हो जाती है। तो ये बहुत डिफरेंट टाइप का टकाटक है, वो भी ट्राई करते हैं इनसे। और साथ में इनका जो चरगा है वो भी बड़ा दिखने में बड़ा टेस्टी लग रहा है, बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा यार, हमने जो ना यहाँ पे ऑर्डर किया, एक हमने सिंपल जो है सिंगल हमने मगज टकाटक मंगवाया, यहाँ पे जो इनका सिंगल टकाटक है वो मंगवाया, और एक हमने हाफ चरगा मंगवाया। ये चरगा इनका, इसके बाद जो इन्होंने मसाला डाला हुआ ना यार, बहुत चटपटा मसाला भाई है। जो टकाटक बना हुआ ना, ये बहुत डिफरेंट और बहुत लजीज लग रहा है। तो अभी जो है ना हम स्टार्ट करते हैं, पहले टकाटक ट्राई कर। यार मैं टकाटक बोल रहा हूँ, मैं आई एम इन कराची, तो आई हैव टू से कटाकट, थोड़ा सा माफ़ कर देना। चलता है ये जो रोटी है ना, बिल्कुल ये देखो रुमाली रोटी इन्होंने हमें साथ दी है। तो ये रोटी तो मतलब ऐसे 2-3 लेयर्स वाली इसकी बाइट बनानी पड़ेगी। यहाँ से रोटी लेते हैं और फिर साथ में जो है थोड़ा सा यहाँ से कटाकट। वही यार, बड़ा मज़े का लग रहा है भाई। शायद किसी को मेरी वीडियो में लगा होगा मैंने कपूरों को प्रमोट किया, भाई मैं कपूरों को प्रमोट नहीं करता। कपूरे जो है ना मकरूह तहरीन में होते हैं, तो कपूरे अगर आप कोशिश करें अवॉइड ही कर लें। कपूरों के बगैर भी कटाकट खाया जाता है यार, बड़ा मज़े का होता है। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। बहुत मज़ेगा ये, बहुत डिफरेंट है यार, बड़ा ना क्रीमी सा, बटरी सा, एक सालन बना होता है ना वैसे बना भाई। इसका टेक्सचर देखो ना, ये इसमें खड़े ज़्यादा चीज़ें ना बिल्कुल बटर नहीं बना हुआ, बिल्कुल पेस्ट नहीं बना हुआ इसका, खड़े चीज़ें मौजूद, जो दिल है, जो गुर्दा है, खड़ा मौजूद है इसके अंदर। और मगज जो है ना, बस गुलाब है इसके अंदर। इसके ऊपर कोई दही कोई रहता, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल। इट्स भी बहुत कमाल है। और ये मज़े की बात है कि मक्खन में बना हुआ है। मैं जब यहाँ पे आया था ना,
तो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था, कहता यार आप ऑनर से बंदा आगे कह रहा था यहाँ पे कि भाई आपको क्या ज़रूरत है प्रमोशन करने की, क्यों वीडियो बनवा रहे हो? तो फिर मैंने कहा भाई कि मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, इनको ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत है इस तरह का खाना खाने की और इस जायके को टेस्ट करने की। इससे पहले जो मैंने खाया था वो कहीं और से खाया था, वो डिफरेंट है कटाकट, ये डिफरेंट कटाकट है, बट मुझे दोनों में अगर कंपेरिजन करें ना तो वो थोड़ा हैवी था, वो बड़ा ना मतलब बहुत ज़्यादा एक हैवी मतलब खाना था वो, ये थोड़ा लाइट खाना है। और जायका इसका भी बहुत कमाल का यार, जो इन्होंने इसमें मसाले इस्तेमाल किए हैं और ख़ास तौर पर जो इन्होंने पहले से अपने वो टमाटर के एक पेस्ट पर आगे रखा होता है तो उसमें जो मसाला डाला था वो बहुत कमाल का। तो अभी मेरा हाथ रुकने वाला नहीं है इसमें से, लेकिन चूँकि चलना भी खाना आपको खा के दिखाना है तो इसलिए मैं वो चेक कर लेते हैं। ये जो है चेस का पीस है, ये चलेगा, ये देखो इसको पहले स्टीम करते हैं, स्टीम करने के बाद इसको फ्राई करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी एक चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी चरगा लिखा हुआ ना, इस जगह के अलावा कैफे लजीज के अलावा जहाँ जहाँ पे भी चरगा लिखा हुआ ना, वहाँ पे लाहौरी चरगा लिखा हुआ है। तो वैसे ये भी एक लाहौर की शुरुआत है, लेकिन इसको चेक करते हैं, ये बड़ा कमाल का लग रहा है। बिस्मिल्लाह, पहले सिंपल उसके बाद इसको रायते पर डिप करेंगे। बिस्मिल्लाह, बहुत यार ये मोर लाइक रोस्ट है, चरगा ये कम है रोस्ट ज़्यादा है, क्योंकि ना इसमें जो अंदर से जितना स्टीम हुआ है ना, ये इसमें चरगा वाली फीलिंग कम है। जो चरगा होता है चरगा चरगा बाहर और अंदर से ना तकरीबन एक ऐसा होता है, ये बाहर से हल्का मतलब मसाला तेज़ है, इसके अंदर से लाइट मसाले वाला है। जैसे रोस्ट होता है ना, अंदर का फ्लेवर डिफरेंट होता है, बाहर फ्लेवर डिफरेंट होता है। और है ये चस्का लेकिन है फिर भी जूसी, इसको रायते में डिप करते हैं। वो भी रायता बड़ा मजे का, ये रायता चेक करो यार, ये मिर्चों वाला काली मिर्च वाला गर्म सरगर रायता बहुत आ रहा। यहाँ पर ना ऑप्टिमम बाइट लेने की जरूरत नहीं है, अगर ऑप्टिमम बाइट सिंपल से वही है कि आप चले गए और रुखा खाएं और रोटी का कटाकट खाएं, बहुत अलग चीज़ है यार। ये कटाकट के अंदर ना जो फ्लेवर आ रहे हैं ना, वो काली मिर्च का, टमाटर का और जो गुर्दे का अपना फ्लेवर होता है और जो मगज़ का फ्लेवर है, मक्खन का फ्लेवर, ओवरऑल बड़ा कमाल का, बड़ा बैलेंस का कम्बिनेशन बन रहा है इसका, बहुत अच्छा मज़ेदार चीज़ है यार। एक चीज़ जो है ना, मैंने कराची के बारे में जो नोटिस किया ना, यहाँ पे फैमिली जो रात में बाहर निकलती है ना, यहाँ पे फूड पॉइंट सारे इस तरह के बने हुए हैं, खासतौर पर बंस रोड के ऊपर, कि हर बंदा जो है ना फैमिली के साथ आके यहाँ पे बैठ के खाना आराम से खाता है, इन्जॉय करता है। और ये एक अच्छी आउटिंग है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे कराची में बहुत कुछ है आउटिंग के लिए, समुंदर है, बीचेस हैं और बहुत कुछ है, लेकिन ये जो फैमिली के साथ बाहर निकल के खाना खाने वाला सीन है यार, बड़ा मज़ेदार है। स्ट्रीट फूड पे फैमिली प्लेसेस मौजूद है, स्ट्रीट फूड पे ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ बैठ के खाना खा सकें। और दूसरी बात जो रबड़ी के बारे में बता दूँ कि 180 रुपये की एक प्लेट है इनकी, सिंपल आप चाहे पिस्ते वाली ले लें चाहे सिंपल वाली ले लें, लेकिन चीज़ बहुत मज़ेदार है। एक चीज़ है, जितना भी खाना हमने खाया है इस वीडियो के अंदर, जितना भी आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस सबको डाइजेस्ट करने के लिए आपने वर्कआउट लाजमी करना है, अपना खाना इस तरीके से खाना है कि भाई अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। मैंने अक्सर कमेंट्स देखे नीचे, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों की हेल्थ ख़राब कर रहे हैं इस तरह के फूड को प्रमोट करें। मैं सिर्फ एक्चुअली कल्चर प्रमोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान का फूड प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्थ ख़राब नहीं करना चाहता। तो मेरा आपको ये मशवरा है, मेरी आपको ये सजेशन है, मेरी आपको ये एडवाइस है कि आप ये खाने ट्राई करें, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखें, लिमिट कर लें अपने खानों को। अगर आपने इस तरह के खाने हैवी खाने खाने हैं तो दिन में हल्का खाना खाएँ, सुबह नाश्ता ना करें, दोपहर में खाना ना खाएँ, एक ही दफ़ा में टका के खा लें, इस तरह कर लें, थोड़ा स्नैक्स से गुजारा कर लें, ड्राई फ्रूट्स ले लें, और बाद में जब खाना खाने का टाइम है तो इस तरह का खाना आप खा के फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए वर्कआउट भी करें। तो ये मेरा आपको सजेशन है, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर इंस्टाग्राम फॉलो किया दिस इज़ माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आपसे गपशप होती है, मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर और बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम के ऊपर, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।